है ना बच्चों, मिरर को मूव करा के हमें चेक करना है। देखना बच्चा, मान लिया जाए ये हमारा बेटा, ये मान लो बेटा हमारा मिरर है ना, और ये हमारा बेटा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा बेटा इमेज है, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा कि मिरर को मूव कराओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट अब मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया बेटा फिक्स्ड। अब चलो मिरर को मूव कराते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इस मिरर को ऐसे मूव कराऊं बेटा, अब मिरर को मैं यहां ले आया, अब मिरर को मैं यहां ले आया, है ना बेटा, मिरर ऐसे हो गया, है ना बेटा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मैंने मिरर को मूव कराया, है ना बेटा। तो अगर ऐसे मूव कराओगे मिरर को, तो देखो बेटा मिरर का प्लेन वही रहेगा ना, मिरर का प्लेन चेंज नहीं किया। जब मिरर का प्लेन चेंज नहीं करता है बेटा, तो इमेज भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। बताया था ना मैंने पहले भी कि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है बेटा ऑब्जेक्ट इमेज की लाइन, है ना बच्चों। और ये भी कहा था मैंने तुमको कि अगर मिरर का प्लेन सेम है ना बेटा, एक ही प्लेन में अगर बहुत सारे मिरर हैं तो भी एक ही इमेज बनेगा बच्चा, है ना। तो एक मिरर के प्लेन में मिरर को चाहे जहां भी रखो, है ना बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा इमेज हमेशा एक ही जगह बनेगा, है ना बच्चा। तो इमेज हमारा जगह चेंज नहीं करेगा, क्लियर। आगे सुनो, अब मैंने कहा बेटा कि इस मिरर को मैंने यहां खिसका दिया, अगर इस मिरर को यहां खिसका दूं, है ना बच्चों, अब मैंने मिरर को ऐसे खिसका दिया, ठीक है बेटा। तब देखो ऐसे खिसकाओगे, है ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो इतनी बढ़ गई ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी बढ़ गई, बोलो बच्चा, है ना, तो इमेज की दूरी भी इतनी बढ़ जाएगी, है ना। चलो मान लिया मैंने बेटा, सब लोग डायग्राम को देखना अच्छे से, रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना बेटा, डायग्राम बन जाने के बाद फिर रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना बच्चों, इसलिए डायग्राम पे नजर रखो। तो देखो बच्चा, मान लिया मैंने ये दूरी है बेटा आर, वो दूरी को मैंने मान लिया आर, और इसको मैंने मान लिया एक्स, है ना बच्चों। तो देखो अगर ये यहां से यहां आर है बच्चा, तो फिर ये वाला डिस्टेंस भी हमारा आर होगा, बोलो, यहां से लेके यहां की दूरी भी क्या होगी बेटा, आर होगी, होगी ना। अब सोचो मैंने इसको एक्स मूव करा दिया बेटा, तो अब यहां से यहां दूरी कितनी हो गई, अब हो गई ये आर प्लस एक्स, बोलो, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो इमेज भी यहां से कहां बनना चाहिए बेटा, यहां से आर प्लस एक्स होना चाहिए ना इमेज, इसका मतलब इमेज यहां पहुंच जाएगा बेटा, बोलो, ये ना हो जाएगा हमारा, बोलो, इमेज हमारा बेटा यहां ना पहुंच जाएगा आई डैश, बोलो बच्चों, है कि नहीं। तो देखो बेटा अगर मैंने कहा कि यहां से ये दूरी आर प्लस एक्स है, तो बोलो बेटा यहां से दूरी कितनी हो गई, बोलो बोलो, बोलो कितनी हो गई, x प्लस टू आर ना बच्चा, बिल्कुल सही बात, करना हो जाएगा ये r प्लस टू एक्स, है ना बच्चों। अब बोलो जहां ये पहले था बेटा, वो दूरी यहां से कितनी थी पहले, ये थी बेटा r, और ये हो गया r प्लस टू एक्स, इसका मतलब कितना मूव कर गया इमेज, इमेज कितना मूव कर गया बच्चा, सत्यम निखिल लुभावनी, बिल्कुल सही बेटा, कितना मूव कर गया, इसका मतलब ये 2x मूव कर गया, है ना बेटा, ठीक है, मतलब डबल मूव कर गया, है ना बच्चों, ठीक है ना। तो देखो अब कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ये मिरर की वेलोसिटी, ये मिरर की वेलोसिटी पैरेलल, इसका मतलब क्या है, ये भी परपेंडिकुलर, सॉरी भी परपेंडिकुलर, मिरर के प्लेन के, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटा, मिरर के प्लेन के पैरेलल, है ना बच्चों। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन n कैप, और ये डायरेक्शन बेटा m कैप, है ना। तो क्या कहोगे, इफ
वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर इक्वल टू, मिरर की वेलोसिटी का वेक्टर क्या बेटा, v परपेंडिकुलर n कैप प्लस v मिरर m कैप, है ना बच्चों, v पैरेलल m कैप, है ना बेटा। तो हम लोगों ने इमेज की वेलोसिटी क्या कही थी, इमेज की वेलोसिटी क्या कही थी बेटा, हमने हमने कही थी इस वाले वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वाले वेलोसिटी का डबल मूव करता है ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2v परपेंडिकुलर n कैप। समझ में आया बेटा, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। आयुष बोलो, आयुष आयुष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चा, आयुष तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, नोट कर लो बच्चों। नहीं ना आएगा बेटा, आयुष देख लो, कहा था ना मिरर अगर अपने प्लेन के पैरेलल मूव करे बेटा तो उसका प्लेन चेंज नहीं करेगा, प्लेन चेंज नहीं करेगा तो इमेज बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि बताया था ना एक ही प्लेन में चाहे जितने भी मिरर हो बेटा सबका एक ही इमेज बनता है, है ना, एक प्लेन में एक दीवार पे, एक दीवार पे चाहे मिरर कहीं भी रखा हो बेटा हर बार इमेज एक ही जगह बनेगा, जल्दी नोट कर लो बच्चों। हो गया हो तो अच्छी बात है बेटा, अब अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा, देखो बाबू देखना बेटा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कि मान ले बेटा एक मिरर है ना बच्चा, इस मिरर में ये बेटा एक्स एक्सिस है, इस मिरर के लिए ये डायरेक्शन है बेटा एक्स, इसका मतलब वाई और जेड ऐसे हो गया देखो, है ना, ये हो गया मिरर के प्लेन के पैरेलल, ये भी हो गया मिरर के प्लेन के पैरेलल, है ना बच्चों,
एक्स एक्सिस मिरर के प्लेन के बेटा परपेंडिकुलर है और ये हमारा है बेटा ऑब्जेक्ट। सवाल कहता है इफ वी ओ वेक्टर इक्वल टू 2y प्लस 3j माइनस 4k एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू ये है बेटा 4i माइनस j प्लस के, है ना बेटा। सवाल है फाइंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बनाओ, दोनों मूव कर रहा बेटा अभी, करो तो। इस बार का आंसर आया, चेक कर लो इस बार। नहीं सही है, सही है इस बार तुम्हारा, सही है बेटा, गुड। उत्कर्ष ठीक करो, अली अता गलत है बेटा, सत्यम मैग्नीट्यूड नहीं बेटा, वेक्टर निकालना है। संदीप का भी सही है, लुभावनी और दीपक दोनों चेक करो। शाश्वत सही हो, रोहित गलत, उस्मान चेक कर बेटा, मोहित पालीवाल गलत, अभय भी गलत हो बेटा तुम, श्रिया गलती है चेक करो, करण सही है बेटा, आरती चेक करो, जयसित गलत बेटा, लुभावनी फिर गलत बेटा, अमित सिंह इनकम्प्लीट, शिवम शर्मा गलत, दीपक गलत, सूर्यांश इनकम्प्लीट, अमित शुक्ला गलत, लक्ष्य लक्ष्य क्या गलत है बेटा, प्रशांत भी गलत, वैष्णवी चेक करो, आयुष यादव बेटा मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए मुझे, वेक्टर चाहिए। सत्यम चेक करो, वैष्णव भी चेक करो बेटा, उत्कार सही है, अली हैदर सही हो गया, अब अंकिसा चेक करो गलत है बेटा, सूर्यांश 6 + 3 - 4 सही है बेटा, सूर्यांश, आयुष यादव सही है, प्रिया गलत, अमित सिंह सही, रजन भी सही, जे 6 गलत, तथागत सही, दीपक कुमार गलत, रिदम सही, लुभावनी सही हो गया तुम्हारा, गुड, दीपांशु भी सही, वेरी गुड बच्चा, अंकित का भी सही, सुशांत गलत, सत्यम इनकम्प्लीट, अंकिसा गलत, मैंने एलिटी वेलोसिटी से किया, कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सत्यम भी सही हो गया। चौदह को बच्चा मैं करता हूं,
देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बच्चों अगर मैं कहूं इमेज वेलोसिटी है ना बेटा, इमेज की वेलोसिटी है ना बेटा, अगर मैं कहूं बेटा ड्यू टू ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ऑब्जेक्ट की वजह देखो बेटा, अगर एक्स इसके परपेंडिकुलर है, सब लोग सुनो बच्चा, अगर एक्स इसके परपेंडिकुलर है बेटा, इसका मतलब वाई और जेड इसके सेम डायरेक्शन में है। बोलो बेटा, मिरर जो है वो लाइन थोड़ी होता है बच्चा, मिरर इज ए प्लेन ना। तो मिरर की अगर एक्स एक्सिस बेटा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वाई और जेड सेम प्लेन में है ना बच्चों। वाई और जेड हमारा बेटा सेम प्लेन, एक्स हमारा परपेंडिकुलर है ना बच्चों, है ना। तो रूल क्या था बोलो, कि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर में है ना बेटा वेलोसिटी उल्टा हो जाएगा और मिरर के प्लेन वाला सेम रहेगा, है ना बच्चों। क्या कहा था मैंने, नॉर्मल वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, पैरेलल वाला कंपोनेंट सेम रहता है बच्चों। तो क्या कहोगे इसमें, इसकी वजह से कितना होगा, ये उल्टा हो जाएगा, -2i + 3j -4k है ना बच्चा, ये उल्टा हो जाएगा, बाकी दोनों सेम रह जाएगा। अब लिखूं बेटा ड्यू टू मिरर है ना बेटा, मिरर की वजह से। तो मिरर के बारे में क्या पढ़ा था बेटा हमने, कि देखो पैरेलल वाला कंपोनेंट यूजलेस और परपेंडिकुलर वाले का डबल है ना बच्चा। तो परपेंडिकुलर में यहाँ एक्स है बेटा, तो कहेंगे प्लेन के पैरेलल वाला यूजलेस और परपेंडिकुलर वाला बेटा डबल हो जाएगा, इसका मतलब 8j कैप है ना बेटा। लेकिन अभी कहानी क्या है, कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे ना बेटा, तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा है ना बेटा। तो क्या कहेंगे हम लोग, हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज वी इमेज वेक्टर इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कर लो, 8 - 2 ये हो गया बेटा 6i कैप है ना बच्चा। अब देखो ये जीरो है ना, सॉरी ये आई कैप होगा है ना बेटा, क्या हो गया 3j और -4k, समझ गए बच्चों, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो बच्चा, अब मैं बनाए इसको मेथड टू, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चों ना। अब दूसरा मेथड देखो, अब देखो बेटा सेकंड मेथड, मैं लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, कैसे करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, VO - BM कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -2i + 4j - 5k। बोलो बच्चा होगा, बात समझे बेटा है ना। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर है ना बेटा। अब सोचो अगर मैंने कहा बेटा विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है ना बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब क्या हुआ, मिरर हो गया रेस्ट में ना, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर का मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर मिरर के ऊपर बैठ गया बच्चों। तो ऑब्जर्वर अगर मिरर के ऊपर बैठ जाए वो तो मिरर को देखेगा रेस्ट में है ना बेटा। तो इस केस के लिए क्या हुआ, मिरर हो गया रेस्ट में, इस ऑब्जर्वर के लिए मिरर हो गया रेस्ट में है ना बेटा। तब क्या जाएगा, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कहोगे एक्स वाले का उल्टा हो जाएगा, बाकी दोनों सेम रहेगा है ना बच्चों, ठीक है। तो जो मैंने निकाला वो निकाला मैंने इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में है ना बच्चों। लेकिन मैं कहूं अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या कहोगे, ये कहोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इसका मतलब बेटा
इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो कहोगे इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर और प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसका मतलब इसमें मिरर की वेलोसिटी को बेटा ऐड कर लो, मिरर की वेलोसिटी को ऐड कर लो, है ना बच्चा? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 6i-3j और -4k, है ना बेटा? प्लस, समझ में आई बेटा बच्चे बात? अबे प्रताप, k परपेंडिकुलर नहीं होगा बच्चा। मिरर एक प्लेन होता है, अगर इस प्लेन के नॉर्मल x है बच्चा, इसका मतलब y और z इसी प्लेन में है, है ना? मिरर इज नॉट ए लाइन, इट्स ए प्लेन। अब चलो देखो मेथड थ्री, थर्ड मेथड। थर्ड में क्या कहा मैंने, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बोलो बेटा, मतलब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है बच्चा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मूविंग? ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देखेगा बेटा, है ना? अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो, वो देखेगा सिर्फ मिरर को मूव करता हुआ, है ना बच्चा? तो मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, भी मिरर माइनस भी ऑब्जेक्ट, भी मिरर माइनस भी ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा 2i-4j+5k, है ना बच्चों? ठीक है, अब कहोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या कहेगा, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी डबल हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर वाली डबल हो गई 4i, बाकी सब बेकार, बाकी सब बेकार। अब क्या कहेगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर। बोलो बच्चा, ठीक है ना? अब इसको इधर भेज दो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना बच्चा? इसका मतलब इस वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ऐड करो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6i+3j-4k, है ना बच्चों? बात समझ में आ गई बच्चा? ठीक है, तो तीन मेथड से जो क्वेश्चन किया बेटा हम लोगों ने, इससे सीखने को क्या मिला कि केस वन और केस टू, है ना बेटा, किसी एक केस को भी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लें हम, है ना, तो भी हमारा सारा काम हो जाएगा। अगर कोई भी एक केस तुमको आता हो अच्छे से तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना बच्चों? लिख लो, नोट कर ले बच्चा। उत्कर्ष, प्लीज एक्सप्लेन वी आई विथ रेस्पेक्ट टू ए। देख बेटा, वी आई विथ रेस्पेक्ट टू ओ, है ना बच्चा? ये क्या है, वी एम विथ रेस्पेक्ट टू ओ, है ना बच्चा? तो वी एम विथ रेस्पेक्ट टू ओ में देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट बन गया ना ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जेक्ट बन गया बेटा ऑब्जर्वर, तो हर ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में देखता है बच्चा। तो मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया बेटा रेस्ट में। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो कौन मूव कर रहा है बेटा, मिरर मूव कर रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कि मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है,
वेलोसिटी डबल हो जाती है बेटा, लेकिन पैरेलल वाला कंपोनेंट यूज में नहीं आता है ना बच्चों। इसका मतलब मिरर के प्लेन में के जे और के है बच्चा, परपेंडिकुलर आई है ना बच्चों। तो क्या कहा था मैंने, ये डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा यूजलेस। ऐसा कब, जब ऑब्जर्वर कहाँ हो, ऑब्जेक्ट हो। सत्यम को डाउट है मेथड टू में, मेथड टू में क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर निकाल लिया, वीओ माइनस वीएम। जब वीओ माइनस वीएम निकल गया बच्चा है ना, तो चूंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है बेटा, तो मिरर बन गया ऑब्जर्वर, तो मिरर हो गया रेस्ट में, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव करता है तो क्या कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर में उल्टा हो जाएगा और प्लेन में सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर वाला बेटा उल्टा हो गया और प्लेन वाला सेम रह गया है ना बच्चों। लेकिन निकल के क्या आया मेरा, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या होना चाहिए, वी आई माइनस वी एम। क्लियर, जल्दी लिखो बच्चों। नोट कर लिया सारे बच्चों ने, कर लिया नोट, वैष्णवी का तो हो गया नोट किया हुआ। चलो एक मिनट और वेट कर लेते हैं, सृजन का भी हो गया है, गुड। मोहित परिवार का भी हो गया, अभय का भी हो गया, तो सभी का हो गया होगा फिर तो। ठीक है बेटा, अगर नहीं हुआ है किसी का तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़े बच्चा। तो देखो बेटा, अब तक जो पढ़ा हमने है ना, जो भी पढ़ा बेटा, वो हमेशा हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करी बच्चों। हमने क्या बात करी, जस्ट ए सिंगल ऑब्जेक्ट है ना बच्चा, एंड जस्ट ए सिंगल मिरर। चलो अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं ए पेयर ऑफ मिरर, समझा बेटा, मिरर का एक जोड़ा। ठीक है बच्चों, मिरर का एक जोड़े की बात करें। ठीक है बच्चों, देखो मैंने लिया सबसे पहला केस, पहला केस क्या लिया मैंने, मैंने कहा बेटा पैरेलल मिरर्स। ठीक है, मैंने कहा बेटा मिरर्स मेरे कैसे हैं, पैरेलल्स हैं, है ना बेटा, ध्यान दो। मान लिया जाए बेटा, मान लिया जाए एक ये मिरर बेटा है ना, मान लो बेटा एक ये मिरर और एक ये मिरर है ना बेटा, ये दो मैंने मान लिए मिरर, एक दूसरे के पैरेलल, तिरछा हो गया मिरर। अच्छे से बनाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेटा, डायग्राम का अच्छा बनना बहुत जरूरी है, डायग्राम से ही बनेगा ना, तो क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर पाओगे, ज्यादा अच्छा रियलाइज कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने मान लिया ये दो मिरर बेटा, हालांकि यही भी थोड़ा टेढ़ा है, चलो काम चलाते हैं। मान लो बेटा ये हमारा दो मिरर, अब इमेजिन करो बच्चा इस मिरर के बीच में ये रखा है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, मैंने माना इस ऑब्जेक्ट का बेटा इस मिरर से ये डिस्टेंस x है। ठीक है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से डिस्टेंस मैंने मान लिया x। अब देखो बच्चों, यहां से मैंने मान लिया ये डिस्टेंस y। ठीक है बच्चा, ये हमारा है x, ये हमारा है y। फिर से दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल, दोनों के बीच की दूरी x प्लस y। x क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले मिरर की दूरी है बच्चा। y क्या है, ऑब्जेक्ट का दूसरे मिरर से दूरी है बच्चा, है ना। अब मैंने कहा इस मिरर को मैंने मान लिया m1 और इस मिरर को मैंने मान लिया m2। गौर करो बच्चों, तो देखो बच्चा अगर हम इस ऑब्जेक्ट का बेटा इमेज बनाएं, सुनना बेटा, तो इमेज कैसे बनता है, याद है ना, ऑब्जेक्ट से बेटा
रे ऑफ लाइट मिरर पे गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्टेड रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा, वही होता है हमारा इमेज, है ना बच्चों? तो देखो बेटा, ये पहले मैंने इसकी बात करी, ये ऑब्जेक्ट है, पहले मैंने एम वन की बात करी, ठीक है बच्चों? तो देखो, अगर मैं एक रे यहां से ऐसे ड्रॉ करूं तो रे रिफ्लेक्ट होके वैसे ही लौट जाएगा ना। जिस रास्ते पे रे आएगा बच्चा, जिस रास्ते पे रे आएगा उसी रास्ते बेटा लौट जाएगा, है ना बेटा? अब डायग्राम सबको सही दिख रहा है ना रे? डायग्राम सबको सही दिख रहा है? अबे हाँ ना, घुस तो बोल, भूत को पा रहा हूं क्या? हाँ यस गुड। तो देखो बच्चों, इधर से रे आया बेटा, रिफ्लेक्ट हुआ ना, हाँ सही लिख रहे हो, ठीक। देखो बच्चों, अब एक और रे लिया मैंने, ऐसे लिया यहां से बेटा, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गया, बोलो बच्चा, ठीक है? तो अगर बेटा मैं यहां से पीछे लूं और यहां से पीछे लूं, तो ये हमारा बनेगा बेटा इमेज, ये क्या है? आई वन। ये क्या है? आई वन है, मतलब पहले मिरर का इमेज है। फिर सुनो, ये क्या लिखा मैंने? आई वन, पहले मिरर में इमेज, है ना बेटा? और पहले रिफ्लेक्शन का, है ना? इसलिए मैंने कहा इसको आई वन वन। आई वन वन का मतलब क्या हुआ? पहले मिरर में इमेज, पहले रिफ्लेक्शन का इमेज, है ना बच्चों? आगे चलो, अब जो रे ऑफ लाइट यहां से गई बेटा, है ना, ठीक है? देखो तो बच्चा, ये जो हमारा मिरर है बेटा, ये जो हमारा मिरर है ना, इस मिरर पे ये रे ऑफ लाइट यहां से गिरेगी बच्चा, है ना, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यू निकल जाएगी, बोलो बेटा, है ना? अब सोचो, ये जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई थी बेटा, रिफ्लेक्ट होकर के यहां गई, यहां से टकराई और फिर यहां से लौटी, है ना बेटा? यहां टकराया फिर यहां से लौटी। तब देखो बेटा, इस मिरर के लिए ये दोनों क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्टेड रेस, है ना? तो इसको यहां से मैंने पीछे एक्सटेंड किया, है ना बच्चा? इसको यहां से मैंने पीछे एक्सटेंड किया, है ना, और यहां पे कट किया, ठीक है? ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से, एकदम फोकस, 100% फोकस चाहिए बच्चा अभी मुझे, सुनो ध्यान से, बोलो बेटा, इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए देखो बच्चा, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रेस। क्या है दोनों? ये इंसिडेंट रे, है ना बेटा? इस मिरर के लिए ये दोनों इंसिडेंट रे है बच्चा, है ना? और इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं बच्चा, है ना? तो देखो बेटा, इस मिरर के लिए इन दोनों रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चा, वो ये वाला पॉइंट है। ध्यान दो बच्चों, इन दोनों इंसिडेंट रे का ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बेटा, वो ये वाला है, है ना? इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है ना बच्चा? ये जो पॉइंट है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। कितनी दूरी पर है? y प्लस एक्स प्लस एक्स, बोलो बच्चा, ये x था, ये भी तो हमारा x होगा रे, बोलो बच्चा। तो y प्लस एक्स प्लस एक्स, y प्लस टू एक्स, है ना बच्चा? तो जितना दूरी ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी इमेज होगा, बोलो बच्चा, y प्लस टू एक्स, है ना बच्चों? और बोलो, ये इमेज किसमें बना, वन में या टू में? तो आंसर इज टू में, है ना बच्चों? दूसरे बनाना, दूसरे बना तो मैंने क्या लिखा इसको? आई टू। क्या लिखा मैंने इसको? आई टू, है ना बेटा? और रेज अब तक कितनी बार हो चुकी है रिफ्लेक्ट? एक रिफ्लेक्शन यहां, दूसरा यहां, तो क्या है ये? आई टू टू। आई टू टू का मतलब तो क्या आएगा? सेकेंड मिरर में दूसरे रिफ्लेक्शन से बना हुआ इमेज। क्लियर बच्चों? तो अभी तक इस डायग्राम में क्या देखा हमने? इस ऑब्जेक्ट का बेटा ये इमेज, है ना बच्चों? डायरेक्ट इमेज, सिंगल रिफ्लेक्शन, है ना? लेकिन इसका जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए बन गया ऑब्जेक्ट, है ना बेटा? है ना? और इसके इमेज का इमेज बनाया वो, है ना बेटा? तो कॉन्सेप्ट क्या बना? सबसे पहला कॉन्सेप्ट,
ईच रिफ्लेक्शन, ईच रिफ्लेक्शन कॉजेस एन इमेज फॉर्मेशन, है ना बच्चा? हर बार क्या होगा, जितने रिफ्लेक्शन होंगे, है ना बेटा, उतने इमेज बनेंगे, जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतने इमेज बनेंगे, है ना बेटा, जितने रिफ्लेक्शन होंगे उतने इमेज बनेंगे, है ना बेटा। पहले रिफ्लेक्शन का इमेज, फिर सुन, पहले रिफ्लेक्शन का इमेज, है ना बेटा, पहले रिफ्लेक्शन का इमेज दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट, है ना बच्चा, पहले रिफ्लेक्शन का इमेज दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट, है ना बच्चा, दूसरे रिफ्लेक्शन का इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तीसरे का रिफ्लेक्शन का इमेज चौथे के लिए ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, इमेज, इमेज ऑफ एनथ रिफ्लेक्शन, है ना बेटा, इज ऑब्जेक्ट फॉर एन प्लस वन एथ रिफ्लेक्शन, है ना बच्चा, ठीक है। अच्छा अब चलो देखो, चलो ध्यान सुनो, इमेज ड्रॉ करने के लिए, इमेज ड्रॉ करने के लिए बेटा हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ रेज वी नीड। सुशांत का आंसर है दो, सारे बच्चों का आंसर है दो, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा बच्चा। अब बोलते बेटा मुझे, जिन दो रेज का हमें चुनाव करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, हम क्या वो दो कोई भी रे मान सकते हैं, एनी रेज, है ना बेटा, और सम फिक्स्ड रेज, बोलो क्या कोई भी दो रे चुन सकते हैं बेटा? बिल्कुल सही बात, सारे बच्चों ने लिखा यस, वेरी गुड, हम कोई भी दो रे मान सकते हैं ना बच्चों, है ना। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने देखो एंगल इतना बड़ा ले लिया, देखो बच्चों अगर मैंने एंगल इतना बड़ा ले लिया, इसलिए क्या हुआ कि दो रिफ्लेक्शन के बाद ये मिरर से बाहर निकल गया, है ना। अगर एंगल मैंने थोड़ा कम लिया होता, है ना, तो थर्ड रिफ्लेक्शन भी यहां से हो सकता था, और कम लेता एंगल तो चौथा भी हो जाता, और एंगल कम लेता तो पांचवा भी हो जाता, और एंगल कम लेता तो छठा भी हो जाता। इसका मतलब जैसे जैसे हम एंगल कम करते जाएंगे बेटा, वैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम एंगल क्लोज टू जीरो कर लें, है ना, क्लोज टू जीरो कर लें, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकती है ना बेटा, और जितने रिफ्लेक्शन उतने इमेज, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे इनफाइनाइट इमेजेस, इनफाइनाइट इमेजेस, है ना बेटा, विल फॉर्म, है ना बेटा, कितने इमेज बनेंगे, इनफाइनाइट इमेज बनेंगे, है ना बच्चों। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन, ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, फिर देखो ऑब्जेक्ट इमेज का लाइन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना बेटा। तो क्या दिख रहा है, सारा का सारा ऑब्जेक्ट इमेज एक ही लाइन पे लाई कर रहा है ना बच्चों, और लाइन कैसा है वो, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना बच्चा। तो क्या कहेगा, ऑल द इमेजेस, ऑल द इमेजेस लाई ऑन ए कॉमन लाइन, है ना बच्चा, सारा का सारा इमेज जो है एक ही लाइन पर बन रहा है ना बच्चों, है ना, और लाइन कैसा है, तो कहेंगे परपेंडिकुलर टू मिरर, मिरर से परपेंडिकुलर, है ना बेटा, पासिंग, पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, ऑब्जेक्ट से गुजरने वाली लाइन जो मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, वहीं से हमारा बेटा इमेज साई लाइन बनेगा, ठीक है बच्चों। अब चलो देखें, अब देखिए बेटा इमेज कहां कहां बनेगा, लोकेशन ऑफ इमेजेस, इमेज आखिर कहां कहां बनेगा। मैंने कहा इन M1 इस वाले में, अब कहा इन M2,
इस वाले में देखना बच्चों गौर से। हाँ एमोन को बढ़ा सकते हैं बेटा, बड़ा कर सकते हैं। जो देखो बच्चों, सब लोग सुनो बच्चा, पहला रिफ्लेक्शन x दूरी पे था तो इमेज बना कितने पे, x डिस्टेंस पे, है ना बेटा, बाई तरफ, है ना बच्चों। सुनो बेटा गौर से, जिस तरह से मैंने रेज इस तरफ ली बेटा, ली ना मैंने, है ना, हो सकता है तुम शुरुआत इधर से करो, है ना बच्चा, इधर लेने की बजाय तुम इधर से लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में बेटा, ऑब्जेक्ट में रे तो हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना हम बेटा, रे ऑफ लाइट ऐसे 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 ऐसे, बोलो हम तो चारों तरफ ड्रॉ कर सकते हैं ना बेटा। जब चारों तरफ ड्रॉ कर सकते हैं बेटा तो इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो अगर मैंने इधर ड्रॉ किया होता पहला रिफ्लेक्शन, मैंने यहां से लिया होता तो इमेज हमारा उधर बनता वाई के डिस्टेंस पे, बोलो बच्चा, है ना जी, बात समझे। अब देखो सेकेंड रिफ्लेक्शन, इसका इमेज उसने वहां बनाया, इसका इमेज उसने वहां बनाया सेकेंड में, दूरी कितने में, तो कहेंगे ये y प्लस टू एक्स पे बना बेटा, ये कितने बना बेटा, y प्लस टू एक्स पे, है ना बेटा। ये कौन सा है, ये क्या है बेटा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फर्स्ट मिरर से, सेकेंड रिफ्लेक्शन सेकेंड मिरर से, है ना बेटा। अब उल्टा सोचो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन सेकेंड मिरर से और सेकेंड रिफ्लेक्शन फर्स्ट मिरर से, है ना बेटा। तो फिर यहां बनता है इमेज, है ना, कैसे बनता, तो कहोगे ये बनेगा बेटा x, सॉरी ये बनेगा 2y प्लस x पे, ठीक है बच्चों, है ना। तो देख के बताओ, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, x प्लस वाई, बोलो बच्चा इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, फिर से x प्लस वाई, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या समझ में आया, कि हर बार क्या करना है मुझे, x प्लस वाई को ऐड करके आगे बढ़ते जाना है। तो इसमें x प्लस वाई ऐड करो, x प्लस वाई ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, इसमें x प्लस वाई ऐड करो बच्चा, कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y, है ना बच्चा। और इस तरह से सीरीज ये आगे बढ़ती जाएगी, इसको रुकने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चा, है ना। चलो फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो बच्चों, डायग्राम को अच्छे से बनाना, ऑप्टिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। Made of same size and nature. नहीं बेटा ऐसा नहीं, size same, nature different. उल्टा ना, real का virtual, virtual का real.
आज डिस्कस नहीं करेंगे बच्चा, आज पढ़ते खाली पढ़ेंगे, खत्म करेंगे अपने मीर हम लोग आज। M2 के फर्स्ट पॉइंट में ये क्या Y क्यों लिखा है? M2 के फर्स्ट पॉइंट Y2 ये लिखा बेटा कि जो मैंने डायग्राम बनाया ना बच्चों, मैंने जो डायग्राम बनाया है बच्चा, उस डायग्राम के लिए, उस डायग्राम के लिए मैंने माना है फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से। अगर मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन इधर से बनाया होता तो ऐसे बनता, ठीक है। तो देखो बच्चों गौर करो, इसका क्या नाम, इसका क्या नाम, तो इसका नाम है बेटा वन वन। इसका मतलब पहले मिरर का पहला रिफ्लेक्शन, इसका नाम क्या है टू वन। दूसरे मिरर का पहला रिफ्लेक्शन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वन टू, है ना बेटा। पहले रिफ्लेक्शन, पहले मिरर का सेकंड रिफ्लेक्शन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टू टू। दूसरे मिरर दूसरा रिफ्लेक्शन, इसका क्या है, ये है वन थ्री। पहला मिरर थर्ड रिफ्लेक्शन, ये क्या है बेटा, ये है टू थ्री। सेकंड मिरर थर्ड रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। एंगल वाला ही बोले थे बेटा हम लोग कि अगर एंगल हम कम रखेंगे है ना, तो मिरर का साइज छोटा होगा तब भी हम ज्यादा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पा सकते हैं। जो लिख लिया हो बच्चों बहुत अच्छी बात, जो नहीं लिखा है कोई बात नहीं, स्क्रीन शॉट ले लो आप। जो बच्चे नहीं लिख पाए वो स्क्रीन शॉट ले लें। अब देखो बेटा, अभी मैंने कहा था दो मिरर एक दूसरे के प्लेन से परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, एक दूसरे के प्लेन से पैरेलल, है ना बच्चा। अब देखो केस टू, केस टू बोल रहा हूं बेटा मैं। अब क्या ऑब्लिक मिरर, कैसा बेटा ऑब्लिक मिरर, मतलब दो मिरर हो लेकिन दूसरे से कुछ खास एंगल पर हो, ठीक है बच्चा। जैसे कि मानो, जैसे कि मानो बेटा ये दो मिरर, बेटा ये दो मिरर, ये दो मिरर जो है बच्चों एक दूसरे से किसी खास एंगल पर है, थीटा एंगल पे है। चलो हटाओ थीटा नहीं लेते हैं, है ना, यू कह लेते हैं कि मान लिया बेटा यहां मैं रखा ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, इस तरह से कि इसको मैंने यहां से जोड़ा, तो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्ट मैंने ऐसी जगह पर रखा है बेटा जिसमें ये एंगल अल्फा हो और ये एंगल बीटा हो, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बच्चों इस बार सुनना बेटा गौर से, ध्यान देना सब लोग। देखो थोड़ा रेड में इंक भर लेता हूं, थोड़ा हल्का चल रहा है ये डायग्राम में, ये रेड का इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ गया जी। चलो देखो बच्चा, यहां से मैं इमेज बनाना चाहता हूं बेटा, तो मैंने एक रे ड्रॉ किया यहां से परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉ किया तो ऐसे जाएगा बेटा रे और ऐसे लौट जाएगा वापस उसी रास्ते में, है ना बच्चा। और एक और रे लिया मैंने, यहां से हुआ रिफ्लेक्शन, है ना बच्चा, और रिफ्लेक्शन के बाद में इधर नहीं बनाऊंगा, रुको 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 रुको, इधर बनाता हूँ बेटा। ऐसे मैंने ले लिया, है ना बेटा,
ऐसे ले लिया, यहां से जो रे है रिफ्लेक्ट होके यू निकल गया है ना बच्चा, ठीक है। अब इसको मैंने एक्सटेंड किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो ये बना मेरा इमेज। कौन सा बना? ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर। ये क्या है बेटा? I11, पहले मिरर का पहला इमेज। तो देखो बच्चों, अगर इसको मैं यहां से मिला दूं है ना, तो क्या है, देख पा रहे हो बच्चों कि दोनों ट्रायंगल बन गया आइडेंटिकल ट्रायंगल। बोलो बच्चों, सबको बात दिख रही है बच्चा कि ये दोनों ट्रायंगल बन गए बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल, है ना बच्चों। तो अगर एक जैसे ट्रायंगल है बेटा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। बोलो बेटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा बना, ठीक है ना। अच्छा अब चलो देखो बेटा, अब मैंने क्या किया कि जो रे मैंने पहले इधर लिया था ना, अब मैं नहीं मान रहा ऐसा, अब मैं ये मान रहा हूं बेटा कि ये रे ऑफ लाइट इधर लूंगा मैं, इधर लेता हूं बेटा मैं। देखो तो यहां से अगर मैं एक रे ऑफ लाइट ऐसे लू है ना बेटा, तो रिफ्लेक्ट होके लौट जाएगा है ना बच्चा। अब अगर एक दूसरा ले लू बेटा ऐसे, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्ट होगा बच्चा, रिफ्लेक्ट होके यू निकल जाएगा। बोलो है कि नहीं। और अगर मैं इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं बच्चा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो यहां कहीं कट करेगा बच्चा ये, है ना। और इसको अगर मैं यहां से मिलाऊं बेटा है ना, तो महसूस कर कि ये वाला एंगल बीटा होगा। बोलो ठीक है बच्चों, तो डायग्राम अगर दिख रहा हो सही से, नहीं दिख रहा है क्या? डायग्राम दिख रहा है बेटा सही से ना? देखो तो बच्चों, तो देखो बेटा अब क्या दिख रहा है, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, है ना बच्चा, सब बराबर है ना बच्चों। तो देखो ये हमारा बना क्या, I21, सेकेंड मिरर का पहला रिफ्लेक्शन, सेकेंड मिरर का फर्स्ट रिफ्लेक्शन, है ना बच्चों। ये क्या बना? I21 बना बच्चा, ये मेरा बना I21 है ना, सेकेंड मिरर का पहला रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा, गौर करने की बात क्या आई, देखो गौर करने की बात ये आई बच्चा कि ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी सब बराबर है बच्चों, है ना। इसका मतलब अगर एक हम ऐसे एक सर्किल ड्रॉ करें बेटा, तो सारे पॉइंट एक ही सर्किल पे आ जाएंगे बच्चों। बोलो है ना, सारा पॉइंट जो है बेटा वो एक ही सर्किल पे आ जाएगा बच्चा। बोल आ जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब क्या बना कॉन्सेप्ट, पहला पहला क्या बना कॉन्सेप्ट बेटा, पहला कॉन्सेप्ट ऑल द इमेजेस लाई ऑन ए कॉमन सर्किल, है ना बेटा। एक ही सर्किल पे सारा इमेज आएगा बेटा, है ना। दूसरा पॉइंट देखो, देखो बच्चों, सर्किल जो होता है उसकी परिधि, उसकी बाउंड्री, उसका सर्कमफेरेंस में स्पेस लिमिटेड है ना बेटा, जस्ट 2 पाई आर। बोलो बच्चों, सर्किल में स्पेस लिमिटेड है ना, 2 पाई आर है ना बेटा। इसका मतलब इस बार लिमिटेड स्पेस है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ इमेज बनेगा बच्चों, है ना। क्या कहोगे? फाइनाइट, फाइनाइट इमेजेस विल फॉर्म, है ना बेटा, नंबर ऑफ इमेज की कोई सीमा होगी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब देखा जाए लोकेशन ऑफ इमेजेस, है ना बेटा, इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। तो पहला कहा मैंने इन M1, यहाँ इन M2। देखना बच्चा, तो पहले रिफ्लेक्शन का पहला इमेज अल्फा एंगल पे, ठीक है बेटा, इसके पहले रिफ्लेक्शन का पहला इमेज बीटा एंगल पे, है ना बच्चों। ये क्या है? ये 1-1 है, ये क्या है? ये 2-1 है ना बच्चा। अब देखो इमेज का इमेज फिर बनेगा, सुना गौर से, जब रे ऑफ लाइट यहां जाएगी बेटा, तो फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगी, ये वाली रे,
इधर जाएंगी तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा बेटा, और फिर रिफ्लेक्शन होगा तो उस रिफ्लेक्शन का ये होगा ऑब्जेक्ट और बनाएगा वो पीछे इमेज, है ना। तो इसका जो ऑब्जेक्ट ये है बेटा वो कितने एंगल पे है, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, बीटा प्लस टू अल्फा, देखो अल्फा अल्फा बीटा, है ना बच्चा। तो उसका जो इमेज बनाएगा इसे बनेगा बेटा कितने पे, टू अल्फा प्लस बीटा पे, है ना बेटा। कितना इसमें ऐड हुआ, अल्फा प्लस बीटा, है ना बेटा। वही अल्फा प्लस बीटा अब सब में ऐड करते जाओ, तो अल्फा प्लस टू बीटा, फिर ऐड करो तो जाएगा बेटा टू अल्फा प्लस थ्री बीटा, फिर इसमें ऐड करो तो थ्री अल्फा प्लस टू बीटा, है ना बेटा। ठीक है, अब ये बढ़ते जाना है सीरीज, ये भी हमारा बढ़ते जाना है, बोलो बच्चों, है ना। लेकिन एक बात गौर करने की, क्या सोचो, बोलो कि फाइनाइट नंबर है ना बेटा इमेज की, है ना। इसका मतलब ये सीरीज कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, तो मान लो ये खत्म हुआ थीटा वन एंगल पे और ये खत्म हुआ थीटा टू एंगल पे, भाई कहीं ना कहीं तो एंड करेगा ना बच्चा, कहीं ना कहीं एंड करेगा ना। तो ये एंड किया मान लो थीटा वन पे, ये एंगल किया थीटा टू पे, सुनो ध्यान से देखना बच्चा, ये था मेरा मिरर, ये था बेटा मेरा मिरर, है ना। देखो बेटा इसका जो पहला ऑब्जेक्ट था वो यहां से अल्फा एंगल पे है, इस मिरर का पहला ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल पे है ना बेटा। और दूसरा कहां है, दूसरा है बेटा अल्फा प्लस टू बीटा, तो अल्फा प्लस टू बीटा और बड़ा एंगल, है ना बेटा। फिर उसके बाद और बड़ा एंगल, है ना बच्चा, फिर और बड़ा एंगल, बोलो, है ना। तब सोचो अगर तुम यहां से जीरो डिग्री एंगल से लेके 180 तक आ गए, है ना बेटा, तो कहोगे पूरा एरिया में ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने है, बोलो ये पूरा एरिया में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, तो इमेज बन जाएगा पीछे, बोलो बेटा, तो इमेज बन जाएगा नीचे, है ना। लेकिन सोचो अगर तुम एंगल 180 से बढ़ा कर दिए, अगर एंगल तुम 180 से बढ़ा कर दिए तो ऑब्जेक्ट चला गया पीछे ना बेटा, तो इस मिरर के पीछे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनता है क्या, मिरर के पीछे खड़े हो जाओगे तो इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल हमको वहीं तक लेके जाना है जब तक ये एंगल क्या हो, 180 से छोटा हो, है ना बच्चों, 180 से बड़े एंगल में नहीं जाना है, है ना बेटा। दोनों एंगल जहां 180 से बढ़ना शुरू हो जाए वहां पर रुक जाओ, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, है ना। तो क्या कहेंगे, पहला पॉइंट सीरीज शुड बी स्टॉप्ड, रोक देना है मुझे बेटा, है ना, ठीक है। कब रोकना है, इफ एक्सीड्स 180, है ना बेटा, 180 से एक्सीड नहीं करना है, ठीक है बेटा, है ना। आगे चलो, दूसरा पॉइंट, सुनो बेटा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि 180 तक जाना है बेटा मुझे, तो देखो बेटा इस मिरर के लिए 180, इस मिरर के लिए 180 ये वाला एंगल हो गया बेटा, बोलो, ठीक है ना बेटा। और सोचो, कैमरा हिल गया, एक मिनट, देखो बच्चों इधर से 180 एंगल ये हो जाएगा बच्चा, है ना। और देखो इसके लिए 180 एंगल, सॉरी 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 सॉरी
सॉरी सॉरी, हमें तो इमेज की बात करनी है ना बेटा। तो कहेंगे इस मिरर से 180 का मतलब ये एंगल 180। बोलो बेटा, इस मिरर से 180 तक ये एंगल तक का मतलब यहां तक का एंगल है ना बच्चों। और अगर इस मिरर से कहोगे 180, इसका मतलब यहां तक का एंगल है ना बच्चों। तो क्या दिखा, ये बीच वाला एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ये बीच का एरिया बेटा दोनों में आ रहा है कॉमन ना बच्चों, है कि नहीं। तो अगर ये बीच का एरिया दोनों में कॉमन है तो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि दोनों का इमेज एक ही जगह बन जाए। बोलो बच्चा, दोनों का इमेज एक ही जगह बन जाए, ऐसा भी संभव है कि नहीं, है ना। तो क्या कहेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना बेटा। हम कहेंगे इधर से एंगल आखिरी वाला, इधर से एंगल आखिरी वाला, ठीक है बच्चा, इधर से एंगल आखिरी वाला है ना बेटा, और प्लस ये एंगल, प्लस ये एंगल क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बेटा, है ना। इफ इक्वल्स 360, अगर ये 360 हो जाए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट इमेज इज कॉमन है ना बेटा। इसका मतलब क्या है कि दोनों का आखिरी इमेज एक ही जगह बन रहा है, समझ में आया। लेकिन अगर ये 360 ना हो, उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, इसका मतलब इमेज कॉमन नहीं हुआ, ठीक है बच्चों, लिख लो। सर ये TEH पॉइंट एक बार और, ये क्या मतलब है। श्रिया समझ गई, श्रिया समझ गई हो। उज्जवल लास्ट पॉइंट वंस मोर, देखो बच्चा पहले तुम लिखो इसको, मैं मिटाऊंगा फिर डायग्राम बना के बताऊंगा, पॉइंट नोट करो। लिख लिया होगा अब तक, लिया बच्चों। हाँ निकित बताता हूं, चलो देखो बच्चा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा तो साफ दिखेगा तुमको। देखो बच्चा, ये एक मिरर, ये एक मिरर है
ना बेटा। अगर ये ऑब्जेक्ट है बाबू, तो इसका डायरेक्ट इमेज ये बना बच्चा, है ना, इसका डायरेक्ट इमेज ये बनेगा बेटा। इसका मतलब ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा है ना बच्चों, और ये एंगल बीटा। अब देखो बेटा, पता है ना इमेज का इमेज बनता है बेटा, ये हमारा मिरर है, तो देखो बेटा इसका तो इमेज ये बनाएगा ही बनाएगा, इसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा, है ना बच्चों। लेकिन देखो ये बेटा इसका भी इमेज बनाएगा, तो इसका इमेज कैसे बनाएगा, तो इसके लिए क्या बोलोगे, कितना दूर ऑब्जेक्ट है, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, है ना बच्चों। तो इसका इमेज यहां ना बनाएगा बच्चा ये, और ये भी कितना एंगल होगा, बीटा प्लस टू अल्फा, समझ गए बच्चों, ठीक है। अब देखो ये वाला मिरर जो है बेटा, वो इसका तो इमेज बनाएगा ही बनाएगा, वो इसका भी इमेज बनाएगा, तो इसके लिए कितना एंगल है, तो कहोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस टू बीटा यहां बनेगा इमेज। बोलो बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है बच्चा। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट कॉमन होने की बात, तो देखो बच्चों मान लिया मैंने कि आखिरी इमेज कॉमन हो गया, मान लो आखिरी इमेज कॉमन हो गया, तो अगर ये कॉमन हो गया बच्चा, इसका मतलब ये जो एंगल हमारा है बेटा, ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा है थीटा वन आखिरी एंगल, और ये हमारा एंगल है बेटा थीटा टू, इसका आखिरी एंगल। अब सोचो अगर ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे, तो अगर ये 360 हो गया, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना, बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब इरेज कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन है, एक मिरर ये और एक मिरर ये, ऑब्जेक्ट बेटा यहां से 10 सेंटीमीटर दूर और यहां से 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है बेटा। नहीं ढक्कन, ये ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता बच्चा, ये 10 और ये 20 है ना बेटा। अब इस तरफ में 1 मीटर की दूरी जानी है बेटा, और इधर भी जानी है 1 मीटर, इससे ज्यादा नहीं जाना है, इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर, है ना बच्चा। तो सवाल कहता है फाइंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज इन प्रेस्क्राइब्ड रीजन, जो बताया उस वाले में बताओ। करो बच्चा, करो करो। आयुष का आंसर आ गया, और बोलो।
राजीव 5, शाश्वत 7, करण 7, लुभावनी 2, प्रियांशी 7, राजदीप 5, शाश्वत 7, करण 7, अभय प्रताप 20। अरे बच्चा क्या कर दिया तुम, आयुष यादव 7, ईश्वर 7, उस्मान 7, दीपक 7, अभिषेक 7, संदीप 7, यश 7, उत्कर्ष, तथागत, अमित शुक्ला 7। चलो अम्मी देखिए बच्चा, सत्यम का 5, अली हैदर का 5। देखते हैं बेटा, ये मान लिया फर्स्ट, ये मान लिया सेकंड। तो देखो बेटा M1 और M2 है ना बच्चा, बनाया जाए। पहला इमेज यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है ना बेटा, और ये हमारा इधर से 20 सेंटीमीटर पे। अब ऐड करो, कितना ऐड करोगे बच्चा, तो 20 प्लस 10 30 ना बेटा, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। इसका कितना 30 ऐड करो, ये हो गया बेटा 40 सेंटीमीटर। फिर 30 ऐड करो तो 70 सेंटीमीटर, इसमें 30 ऐड करो 80 सेंटीमीटर, इसमें 30 ऐड करो 100 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें अब नहीं कर सकते, ऐड करोगे तो 110 मीटर हो जाएगा, जबकि हमको दिया था बेटा कितना 100 मीटर तक ही दिया था बच्चा। इसका मतलब है गलत, बात समझ गया ना। तो कितने इमेज बने, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज 7 इमेजेस। ठीक है बच्चा, चलो करो। बनाओ, उस्मान इसे कैसे होगा बेटा ओवरलैपिंग, इसका 1 मीटर इसका 1 मीटर, कोई कॉमन एरिया आई नहीं बच्चा, जब कॉमन एरिया आएगा तब ना होगा बेटा ओवरलैपिंग। बनाओ, पूरा एंगल 60 डिग्री, इस पर सही बात। बनाओ बनाओ, बच्चों का आंसर आ रहा है मैं देख रहा हूं।
बहुत लोगों का बहुत अच्छा आंसर है। चलो मैं बनाता हूं, देखते हैं बेटा। देखो बच्चों, फर्स्ट मिरर, फिर से बेटा, फिर से देखा जाए बेटा, M1 में, M2 में, है ना बेटा। पहला एंगल 20 डिग्री, इसका एंगल 40 डिग्री, ऐड करो 100 डिग्री, ऐड करो 80 डिग्री, फिर ऐड करो 140, फिर ऐड करो 160, बस और आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। और आगे बढ़ोगे तो 180 से बढ़ जाएगा आगे, है ना। इधर नहीं आ सकते ना बेटा हम लोग, यही दो लास्ट एंगल। तो अभी कितने इमेज दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया बेटा इमेज। अभी दिख रहे हैं कितने इमेज, 6 इमेज, है ना बेटा। लेकिन ये भी चेक करो कि कहीं आखिरी इमेज कॉमन तो नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं, चेक करने का तरीका क्या बताया था, इसका आखिरी एंगल 160 प्लस इसका आखिरी एंगल 140 प्लस ये पूरा एंगल 60, कितना हो गया 360 ना बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या है, आवाज नहीं आ रही प्रिसा को, माइक बंद है क्या? नहीं बेटा, माइक तो मेरा ऑन है। प्रिसा चेक करो अपना माइक। देखो बच्चा, तब देखो 30-60 हो गया हमारा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बेटा कि लास्ट इमेज जो है ना बेटा, वो कॉमन है। लास्ट इमेज जो है बेटा कॉमन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 5 डिस्टिंक्ट इमेजेस, है ना बेटा। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अली को कुछ पूछना है, बोलो अली। अली बोलो, अली हैदर, अली हैदर कुछ बोलना है बच्चा। चलो कुछ नहीं, तो देखो बेटा जो होमवर्क था वही होमवर्क कंटिन्यूड है, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है बच्चा, ठीक है। जो होमवर्क था वही है, 360 बाई टा माइनस 1, हाँ कर सकते हैं बेटा। ये फॉर्मूला होता है, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बता दूंगा। लेकिन फॉर्मूला हर बार काम नहीं करता, कब काम नहीं करता यही बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलो अभी के लिए मीटिंग ओवर, बाय बच्चा। तो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, बाकी कल बात करेंगे, बाकी और कल बात करेंगे बच्चा। आए होमवर्क दिया हुआ है ना बच्चा, चलो।